अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार स्पैगेटीज, जिसके लिए आपको चाहिए आधा कप तेल। बहुत इजी और आसान रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक, 1/2 गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट, 4 दरमियाने टमाटर ले लें, उनको पीस लें। मसाले डालेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच तिक्का मसाला, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ये चीनी और चिकन मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च 1.5 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, यानी सारी चीज़ें हाँ चाय का चम्मच इस्तेमाल करनी है। मसाला भुन जाने तक पकाएं इसको। 1.5 चम्मच इसमें सोया सॉस डालें, चिली सॉस दोनों ही डालेंगे, पहले सोया सॉस डालेगा, चिली सॉस डालेगा, फिर सोया सॉस डाल दीजिएगा और मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भून लीजिएगा कि इसकी स्मेल निकल जाए, तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप लोग खाते हैं कम ज़्यादा। अच्छी तरह भून लीजिए। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, ज़रूर ट्राई करिएगा घर में और मुझे एक अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छे कमेंट्स देंगे, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब इसमें हम आलू डालेंगे। मैं आलू और गाजर गोभी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से सारी सब्ज़ियाँ जो आप डालना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू गाजर पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये तो गल जाएँ। 1 कप पानी डालेंगे इसमें और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गल जाएगी तो फिर बाकी सब्ज़ियाँ डालेंगे इसके अंदर। एक कप पानी डालने के बाद गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। थोड़ी सा पकाने के बाद हम इसे इसमें गोभी मिला देंगे, गोभी डाल देंगे। आप अपने मर्ज़ी से जितने दिल चाहे सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करी हैं। हल्की आँच पे दम पे इसको छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए सही से। लास्ट में इसके अंदर हम स्पैगेटी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये मसाला और स्पैगेटी एक यकजान हो जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए, एक साथ हो जाए मिक्स। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।